हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साहब ने मेरी दरख्वास्त पर ये जो एक जो तहरीक शुरू की उसमें एहतजाज के हवाले से मेहरबानी की, उसको मेरे दरख्वास्त पर उसको खत्म कर दिया। वजीर आला पंजाब ने पीर ऑफ सियाल को मना लिया, सरगोधा जाकर हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात। पीर ऑफ सियाल ने एहतजाज की कॉल मंसूख कर दी। शहबाज शरीफ ने मुलाकात से भी एहतरामन घुटने भी छुए। मीडिया से गुफ्तगु करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा, खत्म नबूवत पर ईमान हर मुसलमान के अकीदे का लाजमी जुज है। मेरी दरख्वास्त पर एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कमेटी बना दी है जो सियालवी साहब से मुलाकात पर गुफ्तगु करेगी। दस बारह साल पहले दिवस प्रॉब्लम था, हेपेटाइटिस बी सिरोसिस था, वो चल रहा था, लेकिन अब वो सिरोसिस बिगड़ के कैंसर बन गया है। तो मेरे पास थोड़ा सा लीवर का हिस्सा बचा है। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपके पास 3 महीने हैं, इस 3 महीने में आप अपना ऑपरेशन करवा के बच सकते हैं, वरना नहीं। हुक्मरानों, जुल्फिकार की पुकार सुनो। बेगुनाह पाकिस्तानी जुल्फिकार इंडोनेशिया में कैंसर से जंग लड़ने में मसरूफ। इंडोनेशिया के सदर की कल पाकिस्तान आमद। बूढ़ी ममता ने लगते जिगर की रिहाई के लिए हाथ फैला दिए। हुकूमत से इंडोनेशियाई सदर के सामने मामला भरपूर तरीके से उठाने की अपील कर दी। डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ 3 माह जिंदा रहने की उम्मीद। मनशियात के झूठे इल्जाम में 2004 में गिरफ्तार और 2016 में मौत की सजा सुनाई गई। एक्सप्रेस न्यूज ने आवाज उठाई तो कमजोर शवाहिद मानकर सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया, मगर रिहाई ना मिली। वजीर खाजा ख्वाजा आसिफ का भी नोटिस। वजीर आजम मामला इंडोनेशियन हुक्काम के सामने उठाएंगे। कार को कैंसर का मर्ज है, इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान लाए। आखिरी स्टेज तक पहुंचे हुए हैं तो हम यही चाहते हैं कि उसको रिहा किया जाए और जो बाकी उसके बाद जो कुछ पल बचे हैं वो अपनी फैमिली के साथ गुजारे। चलिए, एक्सप्रेस टीवी ने जो एक मुहिम शुरू की हुई है जुल्फिकार की रिहाई के लिए, तो हम भी इसी तरह एक गुजारिश करते हैं अपनी गवर्नमेंट से ताकि वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट से बात करें उसकी रिहाई के लिए। पाकिस्तान ने जुल्फिकार की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं, जुल्फिकार की रिहाई के लिए पाकिस्तान का सिफारतखाना और दफ्तर खारजा मुसलसल राबते में है। मसला इंडोनेशिया के साथ हर फोरम पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने इलाज के लिए खतीर रकम भी भेजी। डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग, ये भी कहा कि भारत का बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल तजुर्बा जारहाना पॉलिसी का अक्कास है। पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए सलामती की जरूरियात से गाफिल नहीं। बेटी भाई साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार को तलाश करने में नाकाम। खुसूसी टीमों की तश्कील के बावजूद मुलजिम सिंध पुलिस की नजरों से ओझल। जिला मलीर के 17 थानों के हेड मुहररों को काम से रोक दिया गया। 4 पुलिस एहलकार जेरे हिरासत। डीआईजी ईस्ट सुल्तान ख्वाजा की एहलकारों को हिरासत में लेने की तरतीब। कराची के शाह लतीफ टाउन में जाली मुकाबले में मारे जाने वाले चौथे शख्स का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से निकला। नजर जान की मैयत गुज़श्ता रात नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके रवाना की गई। नजर जान 18 मई 2017 को मलीर से लापता हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि वो जाली मुकाबले में मारा गया। वुरसा का बयान। उधर सोहराब गोट कराची में नकीबुल्ला के मावरा अदालत कातिल के खिलाफ एहतजाजी और ताजियती कैंप का 5वां रोज। शुरका की जानिब से रावनवार की फांसी का मुतालिबा। ताजियती कैंप में सियासी रहनुमाओं की भी आमद।
इंतजार कत्ल केस में नया मोड़, सीटीडी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मदीहा कयानी और साबिक एसएसपी मुकद्दस हैदर के मुलाविस होने के शवाहिद नहीं मिले। मुकाबले से पहले मदीहा का सिर्फ 8 रोज से इंतजार के साथ मैसेजेस पर राबता था, एसएमएस पर भी गुफ्तगू आम सी ही हुई। आज इंतजार के मजीद दोस्तों के बयान रिकॉर्ड होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सनसनीखेज इंकशाफात पर सुप्रीम कोर्ट का जैनब कत्ल केस में एक और आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ने मुलजिम इमरान के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी आईजी को सौंप दी। तफ्तीशी टीम को मुलजिम के बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम करने का हुक्म। रिपोर्ट पीर तक तलब कर ली। सच सामने आने पर सबकी परेशानी दूर होगी, चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। बलोचिस्तान ने अमन लौटने लगा। तुर्बत एफसी हेडक्वार्टर्स में तकरीब, 15 अहम कमांडो समेत 200 फरारी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो और कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की भी तकरीब में शिरकत। कुछ इश्यूज पर पार्टी को छोड़कर कौमी सोच अपनानी चाहिए। वीजा ऑन अराइवल कौमी सलामती का मसला है। साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार का कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी इजहार ख्याल, बोले इस ऐवान की बेतौकीरी हम सब ने की। अफसोस है गुज़श्ता रोज मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आइंदा बरस तिलोर के शिकार पर पाबंदी आयद, लाहौर हाई कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। नायाब नस्ल के परिंदों का सर्वे मुकम्मल करने की भी हिदायत। तमाम वजारतों और महकमे को अदालती अहकाम पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। महकमे सेहत पंजाब की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सीजनल इन्फ्लुएंजा पर काबू ना पाया जा सका। आज फिर निस्तर अस्पताल में जेरे इलाज मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए। मरने वाले तीनों मरीजों का ताल्लुक खानीवाल से था। तर्जमान निस्तर अस्पताल के मुताबिक अब तक मरने वालों की मजमूई तादाद 35 हो गई। पाकिस्तान ने तवानाई बहरान पर काबू पा लिया और मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का डिवोर्स में खिताब। उधर सवाद की बेटी मलाला यूसुफ जई का भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इजहार ख्याल। कहा दुनिया भर में लड़कियों का तालीम हासिल करना तमाम ममालिक के रहनुमाओं की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी, ये सवाल है हर पाकिस्तानी का। इंडोनेशिया के जेल में कैद पाकिस्तानी जुल्फिकार लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के सदर कल पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत चाहे तो मेहमान से क्या नहीं मनवा सकती। हुकूमत जुल्फिकार का मामला पूरी ताकत से इंडोनेशिया के सदर के सामने उठाए। शहरियों की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है। आखिरी सांसें अपने घर वालों के सामने लेने की ख्वाहिश ज्यादा बड़ी तो नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत मौत की दहलीज पर खड़े जुल्फिकार की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी, ये एक सवालिया निशान है। इंडोनेशिया की जेल में कैद ये पाकिस्तानी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मनशियात के मुकदमे में सबूत पूरे मिले ना ही शवाहिद, फिर भी जुल्फकार को मौत की सजा सुना दी गई। जब एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो इन्वेस्टिगेशन को कमजोर मानकर सजा तो रोक दी गई, लेकिन जुल्फकार को रिहाई नहीं मिली।
अब इस मजबूर पाकिस्तानी जुल्फिकार को कैंसर हो गया है और इंडोनेशियन डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया है कि जुल्फिकार के पास जिंदगी के सिर्फ 3 से 6 माह बचे हैं। अब इस मजबूर पाकिस्तानी के पास तो इतना वक्त भी बाकी नहीं बचा कि वो अपने मुकदमे में बेगुनाही साबित कर सके। पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूं कि अपनी गवर्नमेंट से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएं, सभी को बताएं कि जिम्मे को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर जोको भी आ रहे हैं, उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे बंदे की कंडीशन इस तरह है तो मेहरबानी करके उसको आज़ादी दें ताकि बकाया जिंदगी वो अपने बच्चे में गुजार। जब से यहाँ घर वालों को ये पता चला है कि इंडोनेशियन जेल में जुल्फिकार की सांसें घटती जा रही हैं, तो हर गुजरता लम्हा इन पर मौत बनकर गुजर रहा है। एक्सप्रेस न्यूज एक बार फिर इस मजबूर खानदान की पुकार लाया है कि खुदा के लिए जुल्फिकार को वापस लाओ, इनको प्रे दे दो, मैं अब के सामने रिक्वेस्ट करना, प्लीज प्लीज हेल्प कर दे। ये पुकार कैदी जुल्फिकार के प्यारों की ही नहीं एक्सप्रेस न्यूज की भी है, बल्कि वतन अजीज के हर शहरी की है।